क्या किया कि युवराज ने सरेआम दे डाली उनको धमकी। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। वही आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जाने माने क्रिकेटर युवराज सिंह और रोहित शर्मा की एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी, एक ऐसा किस्सा जिसको खुद रोहित शर्मा ने आपको बताने जिसको खुद रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में बताया। वहीं कौन है युवराज सिंह की बहन जिससे युवराज सिंह के सामने ही रोहित शर्मा ने कर दी शादी। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोहित शर्मा की बीवी के बारे में और युवराज सिंह की बहन के बारे में। वहीं आपको बता दें युवराज सिंह अक्सर अपने गुस्सेले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वहीं युवराज सिंह अक्सर कॉन्ट्रोवर्सी से भी घिरे रहते हैं अपनी बयानबाजी को लेकर, लेकिन ये किस्सा वाकई में मजेदार है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रोहित और ऋतिका की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इनकी शादी 13 दिसंबर 2015 को ही, जहां इनकी शादी को पूरे 6 साल होने वाले हैं। वहीं अगर कोई इनकी लव स्टोरी सुने तो वो वाकई हैरान रह जाएगा। ऋतिका के लिए रोहित शर्मा पिटाई तक खा चुके हैं। जी हाँ, ऋतिका आपको बता दें युवराज सिंह की बहन है। चलिए आपको बताते हैं ये मजेदार किस्सा। आइए आपको बताते हैं कैसे एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो गए थे ये लव वर्ड्स। क्रिकेट के मैदान में रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड्स को हर कोई जानता है, लेकिन मैदान पर विरोधी टीम को धोने वाले क्रिकेटर असली जिंदगी में अपनी पत्नी ऋतिका के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। जी हाँ, इस क्यूट कपल की लव स्टोरी शादी से 6 साल पहले शुरू हो गई थी। ऋतिका जहाँ एक स्पोर्ट्स मैनेजर थी, वहीं रोहित शर्मा उस समय खेल में काफी बिजी रहते थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। बता दें ऋतिका क्रिकेटर युवराज सिंह की राखी सिस्टर है। रोहित और ऋतिका की मुलाकात युवराज ने ही करवाई थी। इसके बाद काम के सिलसिले में दोनों की लगातार मुलाकात होने लगी। पहले ये मुलाकातें प्रोफेशनल थी, पर बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। बता दें धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही चला गया और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वहीं शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि इन दोनों की लव स्टोरी वाकई फिल्मी है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा जी ने अपनी होने वाली पत्नी को बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में प्रपोज किया था। बता दें रोहित ने मुंबई के बोरावली स्पोर्ट्स क्लब में अपने घुटनों पर बैठकर और हाथों में एक अंगूठी लेकर ऋतिका को प्रपोज किया था, जिसके बाद ऋतिका ने तुरंत रोहित के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। वहीं रोहित और ऋतिका ने 13 दिसंबर 2015 को शादी की। उनकी शादी में क्रिकेट, बॉलीवुड और व्यापार जगत के सभी दिग्गज शामिल हुए। वहीं बता दें शादी के 3 साल बाद रोहित के घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने स्मायरा रखा। वहीं रोहित, ऋतिका और स्मायरा को एक साथ कई इवेंट में साथ में देखा जा सकता है। एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने बताया था कि जब युवराज को उनके अफेयर की बात पता चली थी तो उन्होंने साफ कर दिया था कि कुछ भी करने से पहले याद रखना कि वो मेरी बहन है। इसके बाद उन्होंने यूवी को विश्वास दिलाया था कि वो ऋतिका से शादी करना चाहते हैं। आपको बता दें युवराज सिंह को कई सालों से ऋतिका राखी बांध रही है। वहीं जब युवराज सिंह को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो पहले तो युवराज सिंह ने रोहित पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वहीं उन्होंने रोहित से पूछा कि क्या तुम ऋतिका से टाइम पास तो नहीं कर रहे, और रोहित ने उनको यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं रोहित ने इंटरव्यू में बताया कि जब युवराज मुझसे ये सब बातें कर रहे थे तो वो बहुत गुस्से में लग रहे थे और मुझे उनको देख के डर भी लग रहा था, क्योंकि यूवी के गुस्से से कोई नहीं बच पाता। मैं तो यहाँ तक डर रहा था कि कहीं यूवी गुस्से में मेरी पिटाई ना कर दे। फिर मैंने युवराज को यकीन दिलाया कि मैं ऋतिका से शादी करूंगा, तो
मुझे युवराज ने कहा कि तुम पहले रितिका को शादी के लिए आप प्रपोज करो। और युवराज के इस गुस्से और युवराज की वजह से ही मैंने रितिका को जल्दी से शादी के लिए प्रपोज कर दिया और यही वजह थी जो मेरी रितिका से शादी हुई और मैं आज बहुत खुश हूँ। चलिए आपको बताते हैं आखिर रितिका और युवराज का क्या रिश्ता है। ये तो सभी को पता होगा कि रोहित की बीवी है रितिका, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि रितिका युवराज सिंह की बहन है। जी हाँ, रितिका युवराज सिंह की मुंह बोली बहन है और उन्हें राखी भी बांधती है। इतना ही नहीं, युवराज भी रितिका को लेकर इतने पॉजेसिव रहे हैं कि एक बार तो उन्होंने रोहित शर्मा को ही समझाने के अंदाज में कह दिया था कि मेरी बहन से दूर रहना। वहीं आपको बता दें, रितिका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इवेंट कंपनी चलाती है। युवराज सिंह रितिका के क्लाइंट थे। काम के लिए सिलसिले में मुलाकात बड़ी और युवराज ने रितिका को बहन बना लिया। रितिका भी उन्हें राखी बांधने लगी। वहीं साल 2015 में रोहित शर्मा और रितिका सजदेह ने शादी कर ली। शादी के बाद एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने बताया था कि कैसे युवराज ने एक बार उन्हें धमकी दी थी कि मेरी बहन से दूर रहना। दरअसल ये किस्सा ऐसा था कि प्रोफेशनल शूट को लेकर रितिका और रोहित एक दूसरे से मिले। यहाँ युवराज भी थे। युवराज रोहित के पास पहुंच गए और उन्हें कहने लगे कि वो मेरी बहन है, उससे दूर रहना। हालांकि होनी को कुछ और ही मंजूर था। रोहित शर्मा और रितिका की शादी हो गई। रोहित शर्मा ने मुंबई के बरोल वरी स्पोर्ट्स क्लब में रितिका को प्रपोज किया था। वहीं आपको बता दें, ये ग्राउंड रोहित शर्मा ने इसलिए चुना था क्योंकि उन्होंने यहीं से क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी और इसी वजह से उनको रितिका मिली। इसलिए रोहित शर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रपोज करने के लिए यही जगह और यही समय इसलिए चुना क्योंकि पहली बार मैं रितिका से तभी मिला था और उसी जगह मिला था। जी हाँ, युवराज सिंह अपनी मुंह बोली बहन की बहुत इज्जत करते हैं। वहीं आपको बता दें, हर साल रोहित शर्मा की बीवी रितिका युवराज को राखी बांधती है। वहीं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर दें कि पहले युवराज रितिका से मिले, पहले रितिका को उन्होंने बहन बनाया। वहीं बिजनेस के सिलसिले में जब रितिका का मिलना जुलना रोहित शर्मा से हुआ तब दोनों को प्यार हो गया। वहीं आज दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और इन दोनों की एक बेटी है जो कि वाकई बहुत क्यूट है। इनकी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, युवराज सिंह भी शादीशुदा है और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। युवराज सिंह ने बॉलीवुड अभिनेत्री से शादी की है। वहीं उन दोनों की जोड़ी इंस्टाग्राम पर अक्सर छाई रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।